बॉलीवुड क्रेजी से आज मैं बात करने वाला हूँ बाहुबली 2 के चाइना के कलेक्शंस अपडेट के बारे में, वो भी 7 दिनों का। जी हाँ, 7 दिनों के कलेक्शंस अपडेट बताऊंगा। बिना देरी करे चलिए आपको लिए चलता हूँ बताने के लिए। चौथे नंबर पे फिल्म ओपन हुई है, $0.14 से कमाई की है, यानी कि इसकी कमाई है 94.33 लाख, यानी कि 94 लाख इस फिल्म ने कमा लिया है। और आज इसके कलेक्शंस कल से भी ज़्यादा डाउन होने वाले हैं। एनीवेज कल के कलेक्शंस की अपडेट भी ज़रूर आप जानना चाहते होंगे, तो चलिए बिना देरी करे मैं आपको कल के कलेक्शंस की अपडेट बता देता हूँ। ये 6 दिन के कलेक्शंस अपडेट है जो प्रॉपर अपडेटेड होकर मैंने अपडेट किया, आई मीन प्रॉपर अपडेट किया है मैंने। $0.75 मिलियन ने कमाई की है छठे दिन, यानी कल की जो रात की कमाई थी उसमें किससे गिरावट आई है, तो 5.05 करोड़ से कलेक्शंस हुआ है। अगर आप देखो 3 दिन के बाद जो कलेक्शंस थे उसमें थोड़ा थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है, 5-5% का करीबन करीबन 5.90, 5.45, 5.05 करोड़, ठीक है। उससे टोटल हो चुका है 68.26 करोड़ और वर्ल्ड वाइड हो चुका है 1784 करोड़। जी हाँ, ये टोटल हो चुका है वर्ल्ड वाइड का चाइना के रिलीज होने के बाद, और ये चाइना का सिर्फ टोटल है 68.26 करोड़। यहाँ से फिलहाल फिल्म कहाँ तक जाएगी, यहाँ से अगर कोई सोच रहा है कि इस फिल्म 100 करोड़ तक जाएगी, तो प्लीज़ ये सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के सामने ये फिल्म कहीं नज़र नहीं आ रही है। और चलिए आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। ये तो पता चल गया आपको, 94 लाख इसने कमाई की है। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के जाने के लिए अगर हम चलते हैं 11 तारीख को, ठीक है, 11 तारीख पर हम लेके चलते हैं, और यहाँ पर अगर देखें टॉप 10 में भी हमें नज़र नहीं आ रही है। कौन सी फिल्म नज़र नहीं आ रही है? हमारी बाहुबली 2। इसका मतलब साफ है कि सबसे ज़्यादा कलेक्शन इस फिल्म का होगा। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने फर्स्ट डे के हिसाब से अभी तक की जो कमाई कर ली है वो बहुत ज़्यादा कर ली है, 154 करोड़ मैंने कल ही बताया था। अब इसकी कमाई हो गई 163 करोड़। मुझे ऐसा लग रहा है 200 करोड़ के ऊपर इसका एडवांस बुकिंग होगी सिर्फ फर्स्ट डे की। जी हाँ, फर्स्ट डे की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल एडवांस बुकिंग जहाँ तक पता चल रहा है वो कुछ इतना हो चुकी है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, कुछ 54 मिलियन। जी हाँ, $54 मिलियन, यानी कि 364 करोड़ के आसपास तक इसकी अभी तक की एडवांस बुकिंग हो चुकी है हर एक दिन की मिलाकर चाइना में। लेकिन अगर हम फर्स्ट डे की ही बात करें, फर्स्ट डे की एडवांस बुकिंग 163 करोड़ के आसपास हो चुकी है, यानी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के सामने बाहुबली 2 की एकदम ही एकदम हालत ख़राब होने वाली है। जिसे मैंने कहा कि मैं 11 तारीख को लेकर आया हूँ, 11 तारीख में टॉप 10 में नज़र नहीं आ रही है। चलिए एक और चीज़ आपके लिए ट्राई कर लेता हूँ, मैं पियो फैंक पर जाकर मैं देख लेता हूँ पियो फैंक पे क्या कलेक्शंस के अपडेट्स पता चलेंगे इस फिल्म के, यानी कि बाहुबली 2 का 11वें दिन कैसा रहेगा। तो मैं इसे ट्रांसलेट करके मैं आपको 11वें तारीख तक लेके जाता हूँ। यहाँ पे 10 तारीख लिखी है, मैंने 11वें तारीख सेलेक्ट कर लिया, और मैंने देख रहा हूँ कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ पे देखता हूँ कि हमारी बाहुबली कहाँ है, स्टार्टिंग लाइन, यानी कि हिंदी मीडियम, आई थिंक हिंदी मीडियम अभी भी चल रही है, आई थिंक स्टार्टिंग लाइन यानी हिंदी मीडियम, किंग बाहुबली 10वें नंबर पर बाहुबली, यानी कि यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। कहाँ पर नहीं दिखा रहा है? यहाँ पर नहीं दिखा रहा है टॉप 10 में, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है पियो फैंग में कि टॉप 10 में एटलीस्ट उसने जगह बना लिया है। लेकिन उसके पास शोज़ तो देखिए सिर्फ 1000 शोज़ के आसपास, 1700 के आसपास शोज़ है। और अभी शोज़ इसके पास कितने हैं? अभी इसके पास शोज़ कम से कम कहाँ गया कहाँ गया, एक सेकेंड, एक दिन पीछे करता हूँ मैं। हाँ, अभी इसके पास 38,000 शोज़ हैं, 38,000 शोज़ है। और 8वें दिन बाहुबली के पास कितने शोज बचेंगे? मुश्किल से 1,500 शोज, 1.5 या 2,500, यानी कि जितना भी शोज है उसका 4 से 5% भाग बचेगा बाहुबली के पास 11वीं तारीख के लिए, जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आने वाली। यानी कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि बाहुबली 100 करोड़ कमाएगी, तो मैं निराशा के साथ मुझे यही कहना पड़ रहा है कि यहाँ से अगर 80 करोड़ भी कमा ले तो बड़ी बात है, बहुत मुश्किल होने वाला है। फिलहाल आप कितने खुश हैं इस कलेक्शन अपडेट से जो 11:45 तक के आ रहे हैं चाइना के, यानी कि इंडिया में हो रहे हैं 9:15, यानी कि 9:15 हो रहे हैं। जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, इतना ही कह सकता हूँ कि इन्फिनिटी वॉर आने के बाद सभी फिल्मों की हालत ख़राब होने वाली है।